ओम शांति। आपको पता होना चाहिए, मैंने शुरू से ही कहा शिव बाबा कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं करता है, सिर्फ एक ही काम है, उसका नाम है भाग्य विधाता। भाग्य बनाने की विधि बताता है ना। अगर वो किसी को कुछ करे, मदद करे, तो वो कर्म बंधनों में आएगा, हमारे आपके जैसे उनको भी जनन मरण में आना पड़ेगा। तो बाबा किसी को कुछ देने, उनके पास कुछ है भी नहीं, सिर्फ विधि बताता है, करना आपको है। बच्चे रोशनी शिव बाबा को ज्ञान का सागर का, आज भी बाबा ने कहा ज्ञान सूर्य है ना। तो देखो पानी नीचे है, ये नीचे का पानी ऊपर कौन लेके गया, ऊपर से बरस बरस रहा है, ऊपर कौन लेके गया है ना, सूर्य अपने आप लेके गया, उसने गर्माइश किया, गर्म हो गया, बाप बन के ऊपर गया है ना। सूर्य अपने आप लेके नहीं जाता है, अपने आप बरस नहीं करता। तो ऐसे शिव बाबा भी ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान देता है, करना आपको है ना। वो कुछ करे, तभी बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहा था, मैं आपके शरीर का उपयोग लेता हूं, भाड़ा दूंगा, लेकिन विकर्म आपको विनाश करना, आपका कर्म भोग है। बाबा को खासियत थी, या आपने किए हुए कर्मों का फल है वो आपको करना है, मैं भाड़ा दूंगा। जैसे दादी प्रकाशमणी को भी बाबा ने कहा, बच्चे दिन रात सेवा करते हो, सेवा का ताज मिलेगा, लेकिन जो विकर्म किया है, दिन में समय नहीं, रात को भी जग कर तपस्या करो। राजा है बीमार भी हो सकता है, राजा है गद्दी है तख्त है सब कुछ है, लेकिन उसके किए हुए कर्म उसको भोगना पड़ता है। ताज पहना हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कर्म आपको भोगना है, मिटाना है। योग बल से मिटाओ या योग बल से मिटाओ या भोग बल से मिटाओ, वो आपका है। ऐसा नहीं मैं राजा बन गया तो भगवान मुझे मदद करेगा, चाहे राजा हो चाहे राम हो, कोई भी हो, ये हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए।